देखो चश्मे हम सिर्फ दो कारणों से पहनते हैं। एक तो पहला ये कि अपनी आंखों को बाहर के यूवी रेस से, धूप से और लाइट से प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा एकदम मस्त झटाक वटाक बन के स्टाइल मार। लेकिन सबसे पहला जो हमारा प्रायोरिटी होता है वो अपने आंखों को प्रोटेक्ट करना होता है। तो चश्मा खरीदते वक्त हमेशा अपना पर्सपेक्टिव ध्यान में रखें कि आपको चश्मा किस लिए चाहिए। आपको अपने आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मा चाहिए या बस टिकटॉक रील और शॉर्ट बनाने के लिए और स्टाइल और स्टड मारने के लिए और तोता मैना ताड़ने के लिए आपको चश्मा चाहिए। वैसे हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो भाई अलग नेक्स्ट लेवल का है, और ये आपके आंखों से रिलेटेड नहीं है बल्कि आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। यहां पर इसके ब्रांड का नाम लिखा गया है सून, और नीचे लिखा गया है एवरीवन लिसन टू हिम। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई प्राइसिंग नहीं लिखता, बहुत नॉर्मल एक कार्डबोर्ड का पतला सा डब्बा है जिसके अंदर बहुत सारा आपको क्या मिलेगा, टिप टिप टपिया, टिप टुपिया क्या बोलते हैं, टिप टुपिया प्लास्टिक, समझ लो भाई बबल रैप, आप क्या बोलते हैं उसे, टिप टुपिया प्लास्टिक या बबल रैप। खैर ये जो चश्मा है भाई ये मुंह याद है ना, अगर आपको जिंदगी में कोई करे कचड़ा और आपको उसका लेना हो बदला तो आपके लिए बस यही ग्लासेस काम आ सकते हैं, सैवेज ग्लास। वैसे ही आपको बता दूं कि ये ना तो आपकी आंखों को प्रोटेक्ट रखेगा और ना ही आपको किसी भी तरह की सुविधा प्रदान करेगा, लेकिन ये आपके आसपास के चिढ़ रहे लोगों को सबक सिखाने के लिए ऑफी है। अगर आप इसे खरीद रहे हो तो मैं आपको इसके क्वालिटीज के बारे में बता देता हूँ। ये सिंपल सा जैसा आपने पैकेजिंग देखा वैसे ही आता है, प्लास्टिक का है, बहुत ज्यादा लचक पचक करोगे तो टूट जाएगा, सिंपल सा एक प्लास्टिक का फ्रेम है। अगर इसके टेम्पल पे देखोगे, इसे टेम्पल बोलते हैं, तो यहाँ पर एंड में भी ना दो स्टेप सीढ़ियां जैसे ऐसी डिजाइनिंग बनाई गई है। अगर इसे पहनकर भी देखोगे ना अंदर से तो बहुत ज्यादा क्लियर विजिबल नहीं दिखता है, क्योंकि इसके फ्रंट में ये जो व्हाइट व्हाइट वाला प्रिंट है ना, ये ऊपर से ना ऐसे चिपकाया हुआ टाइप का। इसके नोज टिप की भी क्वालिटी डिसेंट है, और ओवरऑल देखो ये कंफर्ट देने के लिए नहीं, मतलब फुकासी लुक देने के लिए इसे डिजाइन किया गया। फटाफट इसे पहनते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट की तरफ। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, 300 के आसपास की इसकी प्राइसिंग। ऑलराइट, हमारा जो नेक्स्ट ग्लासेस है उस ब्रांड का नाम है लेंसकार्ट, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ ग्लासेस, सनग्लासेस जो भी आप खरीद रहे हो। इसके प्राइसिंग की बात करें तो लिखा गया भाई 1999, बहुत ज्यादा प्राइसिंग लिखी गई, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत जबरदस्त डील में आपको मिल रहा है। और अंदर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या है भाई, कैसा है। यहाँ पर आपके चश्मे को रखने के लिए यहाँ पर एक केस मिल जाता है, और चूंकि हमने सारे ग्लासेस ऑलरेडी देख चुके हैं जो भी इस वीडियो में आने वाले हैं, वन ऑफ द बेस्ट केस मिलता है आपको इस प्रोडक्ट के साथ में। अब देखो लेंस कार्ड के अंदर में ना दो तीन ब्रांड्स आते हैं, जिसमें से विंसेंट ना एक ब्रांड है, तो उसका ये ग्लासेस है। अंदर एक लेंस कार्ड का ब्रांडेड क्लीनिंग क्लॉथ मिलता है, साथ ही साथ अंदर है भाई हमारा चश्मा, ग्लासेस अच्छे से वेल प्रोटेक्टेड है। अब इसको निकाल देते हैं और इस प्रोडक्ट को देखते हैं भाई। ऑलराइट, अगर इस सनग्लास के डिजाइन की बात करें ना, तो इसकी डिजाइनिंग वेफेड डिजाइन से बोला जाता है। अगर इसके ग्लास के प्रिंट की बात करें ना, तो इसे बोलते हैं लेपर्ड प्रिंट, यानी चीते के खाल को निकाल के इधर लगा देंगे आपके चश्मे में, ताकि आप चीते की माफी एकदम रफ्तार दिखो। वाओ 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 वाओ, तारीफ कर रहा हूं कि कुत्ता बनिया हूं, समझ ही नहीं आ रहा। वाओ, अंदर साइड में लिखा हुआ है विंसेंट चेस डिजाइन इटालियनो, अभी इटली में बना है या नहीं बना है ये मुझे नहीं पता। अगर इसके फ्रेम के या इसके टेम्पल की क्वालिटी की बात करें ना, अच्छा स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है, और अगर इसके हिंज की भी बात करें ना, तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हिंज मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे करके खुलने बंद होने में। अब यहाँ पर फ्रंट में ब्रांडिंग की बात करें ग्लास के ऊपर, तो बहुत मिनिमल, लाइक देखने से एकदम गौर से आपको पता चलेगा कि विंसेंट चेस का यहाँ पर आपको लोगो दिया गया। ऐसा नहीं कि रेवन की तरह या दूसरे की तरह यहाँ पर पूरा लिख देते हैं ना, वो वैसा इसमें लिखा हुआ नहीं मिलता, बहुत ज्यादा क्लीन। ग्लासेस के कलर की बात करें तो ब्राउन कलर का इसका टिंट ग्लास है, एकदम ऐसा काला कुदरा जैसा नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम शेडेड टाइप का खूबसूरत लगता है। 100% यूवी प्रोटेक्टेड है, यानी आपको सनलाइट से भी बचाएगा, साथ ही साथ आपका जितना भी स्टाइल फैशन मारने का जो ख्वाहिश है ना अंदर से, वो भी पूरा कर देगा। ये ग्लासेस मुझे बहुत परफेक्टली फिट भी आ रहे हैं, यानी ये जो नोज के सामने जो फिटिंग होती है ना प्रॉपर होती, साथ ही साथ इसके ग्लास का जो शेड है ना ब्राउन है, और बहुत ज्यादा ना ऐसा काला कुदरा टाइप का नहीं लगता। डेफिनेटली मैं इसे पहनकर कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे तो देख ही रहोगे, साथ ही साथ बी रोल में भी देख ही रहोगे। बराबर चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट की तरफ। ऑलराइट, हमारे नेक्स्ट सनग्लास है, उसके ब्रांड का नाम है पीटर जोन्स आईवेयर। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी गई है 1-2 डबल 9, आपको इतना पे नहीं करना है। कार्डबोर्ड का आपको बॉक्स मिल जाता है, चश्मे को निकालते हैं अंदर और देखते क्या मिलता है। तो जैसे आप किसी चश्मे वाले भैया के पास जाओगे और अपना चश्मा बनाओगे, उस वक्त आपको कैसा एक केस मिलता है साथ में, वैसे टिपिकल पुराना खटर खुटर वाला आपको यहाँ पर बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आपका अंदर चश्मा रखे रहेगा। वैसे बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ होता नहीं है, हार्ड केस है। अंदर में आपको पीटर जोन्स के एक और क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाती है, जो कि अगेन बहुत सॉफ्ट है। कंप्यूटर के सामने बहुत ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता है, तो अगर आप इस वक्त एक ब्लू कट ग्लास खोज रहे हो
ले ले भाई, ले ले। हाँ तो इसी से हो रहा है। तो अगर आप एक इस वक्त ब्लू कट ग्लास खोज रहे हो जो कि ब्लू रेज को कट करे, साथ ही साथ आपको एक ट्रांसपेरेंट फ्रेम का ग्लास चाहिए, ये सारे ग्लासेस ना बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक और सिचुएशन है कि अगर आपको एक अच्छा फ्रेम चाहिए जिसपे आपको अपने पावर ग्लासेस इंक्लूड करवाने हो, तो उसके लिए भी ये जा सकता है। इसके क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी, फ्रेम क्वालिटी अच्छी है, लेकिन पहनने में वैसा भारी नहीं लग रहा है। अब इसे कंपेयर करोगे ना कि 5-6 हजार, जोकर जैसा लग रहा हूं साहब, अगर आप इसे 5-6 हजार वाले से कंपेयर करोगे ना तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। वैसे इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इसके ब्रांडिंग की बात करें तो इधर उधर आपको ज्यादा 3-5 ब्रांडिंग नहीं मिलती। हिंज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेम्पल का डिजाइन पूरा क्लीन है, ओवरऑल पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अगर इसके नोज की फिटिंग की बात करें तो जब मैं पहन रहा हूँ तो मस्त फिटिंग आ रही है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा हंसना, ऐसा बोलना, करो कुछ भी, ऊपर नीचे नहीं होता। अब इसके ग्लासेस में क्या खास है कि ब्लू एंड ग्रीन कलर की कोटिंग की गई है, तो जब आप ऐसे देखोगे लाइट में ना, ये ब्लू ग्रीन ऐसा होते रहता क्योंकि अच्छा लगता है देखने में। देखो अगर आपके अभी तक आंखों में नंबर नहीं चढ़ा है, आपको बड़ा छोटा दूर नीचा ऊंचा नहीं दिखता है, आपका आंख एकदम मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त स्वस्थ है, और आपको सिर्फ कंप्यूटर में पहनने के लिए चश्मा चाहिए, साथ ही साथ यूवी प्रोटेक्टेड वाला चश्मा चाहिए, और आपको इस तरह का ट्रांसपेरेंट ग्लास पसंद है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वाले प्रोडक्ट की तरफ। ऑलराइट, हमारा जो नेक्स्ट ग्लास है वो ग्लास नहीं बल्कि ग्लासेस है, क्योंकि एक पूरा ग्लासेस का सेट है। इसके अंदर आपको बहुत सारे चश्मे मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये चश्मा क्यों खास है, क्यों अलग है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ब्रांडिंग की बात करें, ब्रांड का नाम है री सनग्लासेस। पैकेजिंग के मामले में वन ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग है भाई। लिटरली आपको इसमें एक पूरा कार्डबोर्ड ज्वेलरी जैसा बॉक्स मिल जाता है, इसमें एक लॉक मैकेनिज्म दिया हुआ है जिसे आप ऐसा करके घुमाओगे, ऐसे कहाँ गया है, हाँ तो ऐसे करके खुलता है ऊपर, उसके बाद ये ऐसे करके खुलता है। माल मसाला गिर रहा है यहाँ पर। देखो तो हमें कितने चश्मे मिलते हैं, एक चश्मा, दो चश्मा, तीन चश्मा और चार चश्मा, साथ ही साथ क्लीनिंग क्लोथ भी आपको मिल जाता है। अगर आपको इस वक्त रील बनाने के लिए चश्मा चाहिए, ऐसा चश्मा चाहिए जिसको पहनकर एकदम मस्त वीडियो बने, मैंने तुम्हें देखा मस्त हुए गानों में, तो आपको ये सारे चश्मे पहनने चाहिए। बेसिकली ये चश्मा ना ही यूवी प्रोटेक्टेड है, ना ही आपके आंखों को किसी भी तरह के डैमेज से बचाता है। बेसिकली अगर आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोटो शूट के लिए, रील्स बनाने के लिए या सोशल मीडिया में अपने आप को चमकाने धमकाने के लिए, होता मैन आपको इंप्रेस करने के लिए चश्मे खरीदना चाहते हो, तो आपको ये वाला डील बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें आपको एक येलो कलर का चश्मा मिल जाएगा, एक ब्लैक कलर का चश्मा मिल जाएगा, एक ब्लू कलर का चश्मा मिल जाएगा और एक रेड कलर का भी चश्मा मिल जाएगा। मेटल फ्रेम आपको मिलता है, ग्लास की भी क्वालिटी सिंपल, बस ग्लास है इसमें और कुछ होता नहीं है। चश्मे को पहन लो, फोटो खिंचाओ, खिंची खचाक। चारों चश्मे के प्राइसिंग की बात करूं तो महज आपको 500 के आसपास में ये मिल जाएगा। फटाफट चलते अपने नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट की तरफ। ऑलराइट, हमारे जो नेक्स्ट ग्लास है वो भाई बहुत ज्यादा पॉपुलर ग्लास है। मोस्ट ऑफ द फेमस यूट्यूबर्स इस ग्लास कंपनी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, लाइक चाहे मुंबई का निखिल बोलो, चाहे रण विजय बोलो। ब्रांड का नाम है आई वेयर लैब। समझ लो कि ये हमारे एपिसोड का ना सबसे महंगा चश्मा है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, हार्ड है, और देखते हैं कि आखिर महंगा चश्मा कितना अच्छा होता है जो कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स प्रमोट करते हैं उसे। एक क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाएगी ब्रांडेड वाली, प्लास्टिक के ऊपर भी आपको आई वेयर लैब्स देखने को मिल जाएगा। ग्लास की क्वालिटी देखने से ही ना पता चल रही कि हाँ प्रीमियम है। वैसे इसके बहुत सारे सेट्स हैं, मैंने ये पर्पल वाला मंगाया क्योंकि मेरा भाई बोल रहा था, अभी इधर बैठा हुआ है। इसके टेम्पल्स को देखोगे, इसका पूरा फ्रेम देखोगे, आइस कैसे होता, आइस कैसा दिखता, फ्रिज से कभी आइस निकाले हो, बिल्कुल ही बिल्कुल वैसा दिखता। बहुत ज्यादा कूल सेक्सी डिजाइन है। अब इसके क्वालिटीज की बात करें तो अगेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अच्छा फील होता है। ग्लासेस की बात करें तो यहाँ पर ऊपर में आई वेयर लैब्स लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मुझे पर्सनली एक चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर इसके हिंज में देखोगे ना तो हिंज में ब्रांडिंग की गई है आई वेयर लैब्स की। अब ये ग्लास तो बहुत अच्छा है, यूवी प्रोटेक्टेड है, पोलराइज्ड ग्लासेस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि ये मेरे नोज में भाई सेट नहीं होता ढंग से, थोड़ा सा मतलब और घुसना चाहिए था। तो ये मे बी मेरे नोज के शेप का प्रॉब्लम हो सकता है कि ये ढंग से बैठ नहीं रहा है। वैसे क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। नाक के डांसर का एक चीज आपको बता दूं कि यहां का जो ये आपका जो टेम्पल होता है ना, दूसरे चश्मों में ऐसे आकर बेंड हो जाता है। इसमें क्या है, एकदम स्ट्रेट हाईवे की तरह टनटनीले भाग रहा है। बेसिकली ये जो ग्लासेस है वो ऐसे करके ना राइडर वाइडर लोग ना ज्यादा पहनना प्रेफर करेंगे। ऐसे उड़ाते जाओ, ऐसे धूम मचा ले, पुंग 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 पुंग, अरे इधर से एकदम ऐसे सीधे नाक में चपका ले रहेगा, जैसे हम बोल रहे तो ऐसे ना चले रहे ऊपर में, यहाँ पर बीच में रहेगा, पता नहीं कहा खान सर बन गए। देखो अगर आप इस वक्त एक अच्छा ब्रांडेड चश्मा चाहते हो और अगर आपके पास 1500 रुपए हैं
खर्च करने के लिए, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो, अपने नोज के हिसाब से देख लेना भाई। हमारा जो नेक्स्ट ग्लास का ब्रांड है वो है फास्ट रैक। आपको बता दूं कि ब्रांड के मामले में, बजट के मामले में, क्वालिटी के मामले में सब तरफ से ये जो चश्मा एकदम बेस्ट ही उतर के आ रहा है। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी गई है 1299। आपको पे नहीं करना है, कम पे करना है। कलरफुल फास्ट रैक का आपको बॉक्स मिल जाता है, लेकिन इसको खोलने का जो तरीका है ना बहुत ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पर देखोगे तो एक बड़ा सा होल बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ पुश। इधर से उंगली घुसेड़ोगे तो यहाँ से आपका इधर से चश्मा बाहर हो जाता है। इसमें एक छोटा सा खामी क्या है कि इसमें आपको कोई भी कैरिंग केस नहीं मिलता। इसमें पूरे अच्छे से प्रोटेक्शन दोनों टेम्पल पे इसमें ऐसे करके रैप मिलता है। शाइनी पूरा फ्रेम है, ग्रेडियंट ग्लास है, यानी डार्क से लाइट होते आया है। अगर इसके फ्रेम की क्वालिटी की, टेम्पल की क्वालिटी की बात करें तो बहुत हार्ड प्लास्टिक इस पे यूज किया गया है, अच्छी क्वालिटी है। डेफिनेटली ऐसा मुड़ेगा तो आपका कुछ होगा नहीं। साइड में फास्ट ट्रैक आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, इधर आपको फास्ट ट्रैक का लोगो मिल जाएगा। हिंज की क्वालिटी की बात करें, मोस्ट स्मूथ हिंज इसे बोला जा सकता है पूरे हॉल का। तो आईवेयर लैब का भी अच्छा था। ओ, मेरे नाक में टिका नहीं, इसलिए अंदर नाक में मेरा गुस्सा चढ़ गया है। इसे भी वेफर डिजाइन बोलते हैं, और इसे पहनकर भी देखूं ना तो बेस्ट फिटिंग इस पे आ रही, और ये सारा यूवी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के साथ भी आता है, तो भाई सबसे बेस्ट डील बन जाती है। लेकिन हाँ, आपको 1000 रुपए के आसपास इस पे खर्च करना पड़ेगा। देखो इसमें भी ब्रांडिंग है, लेकिन इसमें जो आईवेयर लैब वाला ब्रांडिंग था ना ऊपर ही ऊपर दिख रहा पूरा, लेकिन इसमें देखोगे तो फास्ट ट्रैक लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे सामने से आकर देखना पड़ेगा कि हाँ अंदर फास्ट ट्रैक तो लिखा हुआ है। ओवरऑल अगर पांचों में से बेस्ट की बात करें, वैसे हमने 6 देखे, वो सैवेज वाला हटा दे रहे हैं, पांचों में से बेस्ट मुझे डील ये लगा। अगर आपको इतना खर्च नहीं करना, चूंकि 1000 के आसपास का है, जो हमने पहला वाला देखा था ना, ये विंसेंट वाला, ये सबसे बेस्ट था अगर आपको थोड़ा सस्ता में चाहिए। देखो सारे जो चश्मे थे वो बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के थे, अलग अलग स्टाइल के थे, अलग अलग ब्रांड के थे, अलग अलग प्राइस के थे। इफ दिस वीडियो हिट 5000 लाइक तो हम आपके लिए एक और चश्मे वाली वीडियो लाएंगे आपके मनपसंद ब्रांड की। तो ब्रांड नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अंश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेस बूम।